नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले से एक दुखद खबर सामने आई। एक जवान की गंभीर बीमारी के बाद दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में मौत हो गई, जिसके बाद जांजगीर चंपा में उनके गृहग्राम में सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान क्षेत्र के लोग, सेना के जवान और पूर्व सैनिक संघ के लोग मौजूद रहे। किस तरह से रहा ये पूरा घटनाक्रम, इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता मुरली नायर जी। हेलो मुरली जी, सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो मुरली जी, सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो मुरली जी, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी 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 दीपक जी। तो सर, ये जो घटनाक्रम रहा, किस तरह से रहा और क्या क्या इसमें हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। जी दीपक जी, मिली जानकारी के मुताबिक जिला जांजगीर चांपा नवागढ़ ब्लॉक के अमोरा गांव निवासी टंकेश्वर प्रसाद कश्यप, पिता रामेश्वर कश्यप, भारतीय सेना में यूनिट 827 पर जयपुर में इनके नायक पद पर पदस्थ थे जी। साल 2003 में वे सेना में भर्ती हुए। उनकी वर्तमान प्रतिस्थापना जयपुर राजस्थान में थी। वे 15 साल नौकरी में फौज पे फेरी कर चुके थे और 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट होना था। जयपुर में काम के दौरान तकरीबन 1-1.5 माह पहले उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने उनकी बीमारी को गंभीर श्रेणी का बताया और इलाज के लिए दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान 19 जनवरी को उनका निधन हो गया। आज उनके गांव में उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान क्षेत्र के लोग, सेना के जवान और पूर्व सैनिक संघ के लोग मौजूद थे। दीपक जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी आपकी इस जानकारी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे खास रिपोर्टर, हमारे संवाददाता मुरली नायर जी ने आपको बताया कि जांजगीर चंपा में किस तरह से उनको अंतिम विदाई दी गई।